Hey everyone, welcome back to my channel. I wish you all a very happy new year. आज मैं आप सबके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, तो इस न्यू ईयर को हम मीठे के साथ शुरू करते हैं। गाजर का हलवा इस सर्दियों में मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और आप सबको सर्दियों में कौन सा डिजर्ट खाना पसंद है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आजकल मार्केट में लाल गाजर बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे दो लाल गाजर को पील आउट कर लिया है। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक पैन को गरम करके 4 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दिया है। घी थोड़ा सा गरम हो जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे एक तेज पत्ता और 2 या 3 हरी इलायची। उसके बाद उसी में हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर। फिर उसे हल्का सा हम स्टियर कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाजर का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा येलोइश हो गया है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप्स मिल्क। अभी इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और मिलाने के बाद कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट अभी हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है। तो इसे थोड़ा सा ऐसे ही मिला लेंगे। इसी फेज में हम इसे चेक कर लेंगे, लगभग 60% कुक हो चुका है। तो फिर से थोड़ा सा कवर कर लेंगे। कुछ टाइम के बाद हम कवर हटा के देखेंगे, अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है। तो अभी टाइम है ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के लिए। तो आप यहाँ पे आपके मन पसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलमंड, काजू और किशमिश ले लिया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे 1/2 कप शुगर लिया हुआ है। एक बार इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। आप अगर चाहें तो इसी टाइम पे मावा ऐड कर सकते हैं, जिससे टेस्ट और भी ज्यादा लाजवाब बन जाता है। फिर 2-3 मिनट बॉयल आ जाने के बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा हलवा अब लगभग बन के रेडी हो चुका है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी, जिससे टेस्ट और भी ज्यादा एनहांस होके आ जाता है। घी ऐड करने के बाद हम इसको ऐसे ही खुले में 2-3 मिनट और पकाएंगे। तो ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तो आप सभी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। गर्म या ठंडा कैसे भी करके आप खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।